एज अ जेनफोन मैक्स प्रो M1 स्मार्टफोन का लेकर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस आए हैं, इंटरेस्टिंग डाउट्स आए हैं इसकी सेटिंग्स को लेकर, इसकी हिडन फीचर्स को लेकर, जो आपको फ़ोन ख़रीदने से पहले ज़रूर ज़रूर पता होने चाहिए। आज मैं गेम प्ले पर आप सबके कमेंट्स पिक करने वाला हूँ, यानी आज का Q&A गेम प्ले पर होगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आइडिया कैसा लगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको 6GB वेरिएंट को लेकर जो तरह तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करे हैं। इसके अलावा हार्ड कोर टेक्निकल क्वेश्चंस आए हैं उनका आंसर दिया है, और साथ ही साथ इस फोन को लेकर कुछ थियोरटिकल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करे हैं इस एक ही वीडियो में। तो खैर बिना समय वेस्ट किए जल्दी से पहला कमेंट ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी वीडियो के लिए। ये बोलते हैं कि आपकी जो समझ में नहीं आती है बात इतना तेज बोलते हैं, और ये कमेंट बहुत बार आ चुका है ऐसे मेरे को, तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे बोलूं ताकि आपको जो है समझ आ जाए। तो अगर गलती हो जाए फिर भी तो जरूर माफ कर देना। तो खैर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपने टेक्निकल क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपका वाईफाई 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो इसके अंदर दिया गया है, यानी 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो सपोर्टेड नहीं है, वो दिक्कत करेगा क्या? तो आपको सबसे पहले बता दूँ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई दिया गया है वो अच्छी चीज़ है मोबाइल में, क्योंकि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई से आपकी बैटरी कम खर्च होती है और इसकी रेंज ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा दूर तक सिग्नल पकड़ना। और अब सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर ये दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी आपके पास ही है। आप अपने आप से पूछिए कि मैं एक साल के अंदर कितना वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ। अगर आंसर है हाँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ और वो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है, तो आपसे कहूँगा बिल्कुल इस फ़ोन को मत लो। बट आपका आंसर है ना कि मैं तो जियो सिम या फिर एयरटेल सिम के ऊपर ही नेट चलाता हूँ या फिर थोड़ा किसी के मोबाइल से हॉटस्पॉट से नेट चला लेता हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा इस फालतू बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो, आप खुशी खुशी इस फ़ोन को जो है ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल आता है वो है इसके डुअल ऐप्स को लेकर, यानी इसके अंदर डुअल ऐप्स चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। जैसे कि आपने शाओमी में देखा होगा 2 WhatsApp 2 Facebook के अकाउंट एक साथ चलाना, तो मैं कहूँगा इसके अंदर आप नहीं चला सकते, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर नेक्स्ट सवाल आता है इसके अंदर आपको हेडफोन के अंदर एम्पलीफायर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, तो आपको बता दूँ हाँ इसके अंदर आपको NXP एम्पलीफायर मिलता है। उसकी पर क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट बहुत अच्छी क्वालिटी जो है मिल जाती है प्राइस के हिसाब से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो मुझे पता आपने इसलिए क्वेश्चन पूछा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि यूफोरिया यूरेका ये सब फ़ोन डेड पड़ रहे हैं, तो बता दूँ इस फ़ोन के साथ इसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका 2-2.5 साल तक ये फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा इसका हार्डवेयर, क्योंकि बहुत जो है न्यू है। और जो अगले 2-3 सवाल आ रहे हैं बिल्कुल हार्ड कोर टेक्निकल सवाल हैं जो आपके भी ज़रूर काम आएंगे अगर आप फ़ोन को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है क्या मैं इसके अंदर गूगल कैमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको Camera 2 API का सपोर्ट फिलहाल नहीं मिलता है, हो सकता है पर आपको अपडेट के साथ मिल जाए, पर फिलहाल आप इसमें गूगल कैमरा इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल आता है इससे रिलेटेड, क्या मैं इसमें स्लो मोशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बना सकता हूँ किसी प्ले स्टोर की? तो बता दो वो भी आप इसमें फिलहाल नहीं कर सकते, आपको रूट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तीसरा सवाल आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बता दूँ इन्होंने पूछा क्या मैं बैक बटन को राइट साइड में ला सकता हूँ? तो बता दूँ इनका कहने का मतलब ये है कि क्या मैं जो 3 बटन नीचे की तरफ रहते हैं क्या मैं उनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ? तो बता दूँ नहीं, बिल्कुल भी ऑप्शन इसके अंदर आपको नहीं मिलता, आपको रूट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या मैं बूट लोडर अनलॉक कर सकता हूँ? तो बूट लोडर अनलॉक इसमें नहीं कर सकते हैं, वैसे फिलहाल हर फोन में के अंदर होता है बट इसके अंदर अभी सेटिंग्स के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है। पर इसकी कोई चिंता नहीं है, इसको आप आराम से PC से कनेक्ट कर इसको रूट कर सकते हैं, और रूट करना बता दूँ कोई बड़ी बात नहीं है, जिस फ़ोन के अंदर आप मुझे सुन रहे हैं उसको भी आप फ़ोन को आसानी से रूट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल आता है क्या मैं इसमें थीम चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो बताओ इसके अंदर आपको थीम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसका भी ये ही आंसर है कि इसको आपको रूट करना पड़ेगा या फिर सिंपल सी बात है इसके अंदर आप जो है लॉन्चर्स इंस्टॉल कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं नई नई थीम्स का। इसके अलावा जो इसके अंदर नेक्स्ट सवाल आता है वो आता है कि रैम कितनी अवेलेबल रहेगी यूज़र के लिए 3GB वाले वेरिएंट में? तो आपको बता दूँ इसके अंदर आपको UI बहुत ही ज़्यादा लाइट मिलता है, तो आप आराम से 1.5 to 1.6 GB रैम ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्री। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल आता है बहुत ज़्यादा दिल से पूछा है इन्होंने कि क्या मैं इसमें PUBG चला सकता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए, वो भी चार्जिंग पर लगा करते हुए फ़ोन? तो मैं सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ आप फ़ोन ने अभी आपने लिया भी नहीं है और आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, अपने फ़ोन को प्लीज़ आप चार्जिंग पर लगाकर जो है ऐसे गेम में मत खेलना, आपका जो बैटरी बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाएगी, उसकी बैटरी लाइफ ज़रूर ख़राब हो जाएगी। और जो दूसरा सवाल आता है आपको बता दूँ इसके अंदर जो Snapdragon 636 है वो बिल्कुल कैपेबल है आपका हाई सेटिंग्स में चलाने पर आपका बिल्कुल मैक्सिमम सेटिंग्स में अभी पॉसिबल नहीं है आपका गेम। इसके अलावा ये इतना पावरफुल प्रोसेसर है कि आपका रिकॉर्डिंग करते हुए ये चला लेगा। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग करते हुए या फिर जो है गेम खेलते हुए अगर आप चार्जिंग लगाकर खेलेंगे तो इसकी हीटिंग कितनी होगी? तो बता दूँ इसके अंदर आपको हीटिंग मेरे ख्याल से 45 से 48 डिग्री तक पहुँच जाएगी, पर मैं आपने जैसे कहा कि इसको प्लीज़ चार्जिंग पर मत लगाकर जो है खेलना।
और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हो सकता है वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं एक ही वीडियो में जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर अगले कुछ थियोरटिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक जैसे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, पूछा है क्या मैं ऑनर 9X ले लूँ या फिर ऑनर 7X कैसा है। तो आप बता दो, ऑनर 9X मैंने पर्सनली चला रखा है, तो उसका बैक कैमरा तो अच्छा है, बट उसका जो बैक कैमरे का पोर्ट्रेट मोड है वो अभी लास्ट अपडेट के बाद भी डम्बली बिहेव करता है, कभी इधर ब्लर करता है कभी उधर ब्लर करता है, तो बिल्कुल जो है सजेस्ट नहीं करता हूँ। इसके अलावा अगर आप सोचें 9X ही लूँगा मैं, क्योंकि उसके अंदर तो मुझे 11,000 के अंदर सामने की तरफ दो कैमरे मिलते हैं, तो बता दो उसके दो कैमरे बिल्कुल आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं देंगे, वो आपके सिंगल कैमरे जैसा ही ब्लर दे रहे हैं, फिर उससे थोड़ा बहुत कम ही दे पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर की दिक्कत बहुत है ऑनर के साथ। इसके अलावा बात करें अगर हम ऑनर 7X की, तो वो इस फोन के सामने जो नए आ रहे हैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता है प्राइस के हिसाब से। इसके अलावा आपको बता दूं, इवन जो आपका P20 लाइट अभी लाइमलाइट में चल रहा है वो फ़ोन भी बेकार है, उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो ऑनर 6X, ऑनर 7X, ऑनर 9 लाइट वाला ही लगा दिया है 20,000 वाले फ़ोन में भी। तो अगर आप उस फोन को ले भी लेते हैं, फिर आपको कोई परिवार वाला है, तो उसे प्लीज़ मना कर दीजिएगा, क्योंकि वो फ़ोन आपका सिर्फ दिखाने को ही हो जाएगा कि हाँ नॉच है, उसका जो प्रोसेसर है वो आगे आने वाले ज़माने के जो गेम्स है ऐप्स है हैवी पबजी से भी ज़्यादा वो झेल नहीं पाएगा। तो क्या नेक्स्ट सवाल आ जाता है Mi A2 को लेकर, क्या मैं Mi A2 के लिए वेट करूँ? तो आप Mi A2 के लिए ज़रूर वेट कर सकते हैं, पर अगर आपको कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहिए, क्योंकि उम्मीद है उसके अंदर कैमरा अच्छा होगा, पर उसके अंदर कमी क्या होने वाली, उसकी बैटरी, और उसके अंदर हो सकता है आपका 3.5 mm जैक ना मिले और USB-C टाइप मिले। और यहाँ पे मैंने USB-C टाइप को दिक्कत इसलिए कही है क्योंकि कुछ लोगों के लिए USB-C टाइप जो है दुखी करने वाली चीज़ होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल आता है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है क्या मैं 4GB वाला वेरियंट ले लूँ, कैसा है आखिर वो? तो आपको मैंने कहना चाहूँगा, आप 4GB वाले के साथ मत जाइए। मैंने क्यों मना कर दिया एकदम, इसका रीज़न है, आप लीजिए तो 3GB और 32GB वाला लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल सस्ता पड़ता है वैल्यू फॉर मनी। 3GB में आपको 32GB में स्नैपड्रैगन 636 सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये में, या फिर लीजिए तो 6GB वाला वेरियंट लीजिए, उसके लिए वेट ज़रूर बनता है, क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छा कैमरा मिलेगा। आप 4GB वाला लेंगे उसके अंदर पर आप दुखी होना पड़े बाद में, इससे अच्छा तो आप जो है वेट करिए 6GB वाले का, आपके लिए वो बेहतर जो है रहेगा। और जो नेक्स्ट दो सवाल हैं वो पहले वाले के सिमिलर ही हैं। पहले में पूछते हैं क्या मैं 4GB वाला वेरिएंट ले लूँ, मेरे पास अभी Redmi Note 4 है, और दूसरे में पूछते हैं क्या इसका फ्रंट कैमरा Redmi Note 4 के फ्रंट कैमरे से अच्छा है। तो बता दूँ बिल्कुल Note 4 से तो अच्छा कैमरा इसमें मिल ही जाता है आपको। और दूसरा सवाल आता है आपको 4GB लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वो भी मैंने अभी बता दिया। बट आपके पास अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास Redmi Note 4 है, तो आप वेट कर सकते हैं बाकी फ़ोन्स के लिए भी, क्योंकि ये कंपनीज ने एक तरीके से अभी लड़ना शुरू ही किया है, आगे आगे आने समय में हमें बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छे फ़ोन मिलने वाले हैं, तो आप जो है ज़रूर वेट कर सकते हैं, इस फ़ोन से अगर काम चल रहा है तो चला लीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है क्या Asus फ्रॉड करेगी यानी धोखाधड़ी करेगी। तो आपको बता दूँ, कुछ इंडिया में लोगों को लग सकता है कि ये पुरानी कंपनी नहीं है, नई कंपनी आई है, पर आपको बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनी है, तो फ्रॉड का कोई सवाल जो है नहीं उठता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल आता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए जूम करने पर फटती है क्या? मेरे पास अभी Redmi Note 4 है, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि पिक्सलेट होती है जब जूम करते हैं। तो आपको बता दूँ Redmi Note 3 का केस अलग था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पिक्सलेट होती है, उसमें तो हम चकोर चकोर अपने आंखों से देख भी सकते हैं, पर नए फोन्स में ऐसा नहीं है। और इवन मैंने Redmi Note 5 Pro जब चलाया था उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बता दूँ जूम बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर एक समय के बाद तो हर फोन के अंदर पिक्सलेट होती है और Note 5 Pro में भी होती है, पर वो जो है लाजमी भी है होना। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल आता है वो आता है इसमें फ्रंट फ्लैश है कि नहीं, तो बिल्कुल इसमें मिल जाती है सॉफ्ट LED लाइट, इसके अंदर आपको सामने की तरफ मिल जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है बट काम चलाने लायक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल आता है वो आता है इसमें मिररिंग है कास्ट स्क्रीन है, ये बहुत ज़्यादा सवाल आया है। तो जी हाँ, इसके अंदर आपको कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप अपने स्मार्टफोन की कंटेंट स्क्रीन पर जो आ रहा है उसे आप अपने स्मार्ट TV में एंजॉय कर सकते हैं, यानी बड़ी स्क्रीन पर। और यहाँ पे आपको बीच में रोक के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ याद से लाइक कर देना, अगर इन्फॉर्मेशन ज़रा से भी पसंद आ रही है तो मोटिवेशन मिलता है। आज टारगेट 60 लाइक्स के लिए रखता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कंप्लीट करवा देना अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़। तो खैर अपनी वीडियो पर वापस आते हैं, यहाँ पे स्टडी इन ओडिया बोलते हैं कैमरे को छोड़कर बहुत अच्छा है Asus Zenfone Max Pro M1, तो बिल्कुल सही बात है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा 6GB वेरिएंट के लिए वेट करो। तो यहाँ पे आशुर बोलते हैं कि Redmi Note 5 Pro मुझे अभी भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, बट 1,000 रुपये प्राइस बढ़ाकर बेकार कर रहा है। तो बिल्कुल भाई बेकार करी है बात 1,000 रुपये प्राइस बढ़ाकर, बट अब जो है एक बात अच्छी होने वाली है कि दोनों का ही यानी 6GB वाले वेरिएंट और इसका Note 5 Pro दोनों 15,000 में आएंगे, तो भाई भाई का कंपैरिजन बहुत अच्छे से जो है होने वाला है अब। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो सवाल है बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, इसके अंदर हम क्या TV या AC कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसके अंदर IR ब्लास्टर है कि नहीं? तो इसके अंदर बता दो IR ब्लास्टर नहीं मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल आता है, इसके अंदर डुअल वोल्टी 4G मिलता है कि नहीं मिलता? तो ज़रूर आप दोनों फ़ोन में वोल्टी एक साथ चला सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल आता है, इसके अंदर OTG वर्क करेगा? तो बिल्कुल करेगा। अगला सवाल है 3.5 mm जैक है, तो
तो बिल्कुल इसके अंदर मिलता है। तो अगला जो सवाल आता है वो आता है इसके अंदर हम डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बता दूँ ज़रूर इसके अंदर आप कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन इनेबल हो रखा है डायरेक्ट वीडियो कॉल ऑप्शन का, बट उन्हीं लोगों के लिए जो 4G वोल्ट या 4G कनेक्शन पर कनेक्टेड है। उसके अलावा जो आपका ऑप्शन होएगा वो वाइट कलर का आ जाएगा, यानी डिसेबल आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल, इसके अंदर VR सपोर्ट करेगा तो ज़रूर करेगा। इसके अंदर आता है नेक्स्ट सवाल, वो आता है इसमें बार बार अपडेट करने से परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा क्या, या फिर फ़र्क पड़ता है तो गंदा पड़ता है बुरा पड़ता है, तो बता दूँ ये आपके अपडेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि Redmi Note 5 Pro का भी कुछ दिनों पहले जो अपडेट आया तो उससे बोके मोड ख़राब हो गया था, पर इसका जो अभी जितने अपडेट आए इससे जो परफॉर्मेंस अच्छी ही हो रही है, यानी कि अपडेट पर डिपेंड करता है बेसिकली। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल है, 5 मेगापिक्सल जो पीछे की तरफ सेकेंडरी कैमरा है वो पिक्चर क्लिक करता है तो नहीं करता, वो सिर्फ दैट मोड के लिए है, यानी आपकी जो है कितनी दूर है ऑब्जेक्ट यही देखने के लिए जो है काम करता है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो पूछा है क्या इसमें रियर में वाइड एंगल कैमरा है, तो बता दूँ बिल्कुल नहीं, इसके अंदर फ्रंट में आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है। इससे पहले वाले Q&A में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उस वीडियो से। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है इसके अंदर Zen UI है स्टॉक रोम है, तो इसका आपका आंसर देना चाहूँगा 99% इसमें स्टॉक रोम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको Zen UI मिलती है पर वो उसको पूरी तरीके से स्टॉक जैसा बना दिया गया है। तो चलो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, क्या इसके अंदर ऐप लॉक है या फिर वॉल्ट है, तो बता दूँ अनफॉर्चुनेटली डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इसके अंदर आपको ऐप लॉक या वॉल्ट का नहीं मिलता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको इस फ़ोन को लेने का मन तो कर रहा है पर इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स इतने कम देखकर दुखी हो रहे हैं, तो बता दो आपके दुख का सलूशन एक ही है, कस्टम रोम। अब एक कस्टम रोम क्या होता है तो आपको बता दूँ, अपने फ़ोन में आप किसी भी फ़ोन का मज़ा ले सकते हैं। अब मैंने क्या बोल दिया, तो मैंने बोला ये सपोज़ करो अगर आपको अपने फ़ोन में ऑक्सीजन OS चलाना है OnePlus वाला तो वो चला सकते हैं, कलर OS चलाना है ओप्पो वीवो वाला तो वो चला सकते हैं, MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है रेडमी वाला तो वो चला सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा आपको कि इस फ़ोन के लिए कस्टम रोम की कोई कमी नहीं होने वाली है, डेवलपर भर भर के इस फोन के लिए कस्टम रोम बनाने वाले हैं, स्टेबल कस्टम रोम्स। और इवन आपको बता दूं मैं अपने पर्सनल फोन में भी कस्टम रोम ही यूज कर रहा हूं, और आपको बिलीव मी बहुत 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 ज्यादा एडवांस फीचर जो है मैं यूज कर रहा हूं। जो नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है इसके अंदर आपको 3D टच मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बता दो बिल्कुल इसके अंदर आपको 3D टच मिल जाता है, पर सवाल आता है आखिर ये 3D टच भला क्या है, तो बता दो 3D टच कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कंपनी बस नाम ऐसा रखती है कि लोग पागल हो जाएं 3D टच का नाम सुनकर। तो 3D टच में होता क्या है, आप किसी भी ऐप में एंटर कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर आपको यूट्यूब खोलना होता है तो सबसे पहले आप यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं फिर ट्रेंडिंग सेक्शन में जाते हैं, पर इसके थ्रू यानी 3D टच के थ्रू आप YouTube ऐप के आइकन को होम स्क्रीन से ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन दिखा देगा, बेसिकली 3 ऑप्शन दिखाएगा 3D है क्योंकि, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ट्रेंडिंग सेक्शन या फिर अपलोड सेक्शन जिसमें आप जाना चाहें जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हर कोई ऐप 3D टच को सपोर्ट नहीं करती है, कुछ ऐप्स है जो सपोर्ट करती हैं। तो कह रहा हम अगले क्वेश्चंस ले लेते हैं 6GB वेरिएंट को लेकर जो आपने पूछे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो पहला आता है 6GB के लिए वेट करना चाहिए कि, तो बिल्कुल भाई वेट करना चाहिए। तो दूसरा सवाल आता है 6GB वेरिएंट के बेंचमार्क्स कितने होंगे, तो भाई बेंचमार्क जैसे कि आपको पता है कि 4GB वेरिएंट के आपको 1,15,000 तक एंटीटू देखने को मिल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,20,000 से 1,25,000 तक एंटीटू स्कोर 6GB के लिए आराम से देखने को मिल जाएगा। तो अगला सवाल आता है पता नहीं क्यों Redmi से कंपेयर करा जा रहा है Asus को, तो भाई सही बात है 11,000 और 13,000 रुपये के हम 15,000 के फ़ोन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर जब इसका 6GB वाला वेरिएंट आएगा तो बिल्कुल भाई भाई वाला जैसे मैंने कहा कंपैरिजन होने वाला है क्योंकि दोनों 15,000 में आएंगे, तो ज़रूर वेट करो सब। जो अगला सवाल आता है वो आता है 6GB वेरिएंट में आपको कलर ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे, तो बता दूँ कलर ऑप्शंस का कोई अभी न्यूज़ सामने नहीं है कि कौन से कलर ऑप्शन आएंगे, अभी दो ही खबर पता है कि सिर्फ इसके अंदर आपको मिडनाइट ब्लैक और ग्रे ऑप्शन ही मिलने वाला है। तो नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है क्या क्या चेंजेस करेगी कंपनी 6GB वेरिएंट के अंदर, तो भाई 6GB वेरिएंट के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं 6GB के अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके फीचर्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो बताए हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर देखो। इसके अलावा जो इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं नए जो मैंने उस वीडियो में बताए नहीं है, वो ये है कि आपका Asus के ऑफिशियल फोरम में ये बात चल रही है कि इसके अंदर आपको NFC और इसके अंदर आपको USB-C टाइप देखने को मिल सकता है। और बता दूँ NFC कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है कि इसके अंदर आपको 11,000-12,000 रुपये के फ़ोन में पहले भी आ चुकी है, तो इसके अंदर आ गई तो बड़ी चीज़ नहीं होगी। और इसके अलावा बात रही है अगर हम इसके USB-C टाइप मिल जाएगा तो बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा चांस है USB-C टाइप भी मिल जाए, हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल फोरम में बात हो रही है तो ऐसे नहीं होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल आता है 6GB वेरिएंट ऑफलाइन कब मिलेगा, तो सबसे पहले भाई ऑनलाइन आएगा जून के पहले हफ्ते में, बता दूँ इसका लॉन्च होगा 6GB वाले वेरिएंट का, क्योंकि जून के पहले हफ्ते में क्यों, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था उससे 6 हफ्ते बाद बोला था, तो इसका मतलब जून के पहले हफ्ते में बैठता है 6 हफ्ते के हिसाब से। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है Asus लें या फिर Redmi Note 5 Pro, तो यार अगर आपको लेना है तो 11,000 रुपये वाला Asus Zenfone Max Pro M1 लो, क्योंकि 11,000 में स्नैपड्रैगन 636 बहुत अच्छी डील है आपको बता दूँ। इसके अलावा आपको 6GB वेरिएंट के लिए ज़रूर वेट करना चाहिए क्योंकि जब ही वाजिब कॉम्पिटिशन हो पाएगा Redmi Note 5 Pro और Asus Zenfone Max Pro M1 के बीच में।
और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप वेट कर सकते हो 6GB वाले वेरिएंट के लिए तो ज़रूर वेट करना, क्योंकि इस बार में पछताना रह जाएगा, काश मैं वेट कर लेता है कर लेती। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो इस फ़ोन को लेना चाह रहे हैं, उन्हें ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अगर मुझे दोबारा सुनना चाहते हो फ्यूचर में तो सब्सक्राइब करने का बेल आइकन याद से दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा पहले वाली वीडियो ज़रूर देखो, आपको हेल्प मिलेगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।